30 अप्रैल वर्ष 1870 में धुंडीराज गोविंद फालके का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फालके को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली। वर्ष 1937 में बनी फिल्म गंगावतरण दादा साहब फालके द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म है। भारत सरकार उनकी याद में प्रतिवर्ष सिनेमा जगत में विशिष्ट योगदान के लिए दादा साहब फालके सम्मान देती है। 30 अप्रैल वर्ष 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 57 वर्ष के आयु में वॉशिंगटन न्यूयॉर्क के फेडरल हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल वर्ष 1789 से 1797 के बीच रहा। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने इसी पद पर रहकर दो कार्यकाल पूरे किए। तीसरे कार्यकाल के आग्रह को ठुकराकर वे अपने बागान चले गए, लेकिन 1799 में वे फिर लौटे और उन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाला। जॉर्ज वॉशिंगटन को फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। अमेरिका को ब्रिटिश राज से आजादी दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 30 अप्रैल वर्ष 1927 में फातिमा बीबी का जन्म केरल के पथानामथिट्टा में हुआ। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। वर्ष 1989 में फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय महिला थीं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया। वे तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं।